हेलो गाइस, गुड इवनिंग, जय हिंद एवरीवन, नमस्ते जी। कैसे हैं आप सभी गाइस? कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से शुरू करेंगे हम आज की क्लास। हेलो गाइज, आज का जो हम MCQs, आज के जो सेशन है, आज के सेशन में भी हम MCQs करेंगे। ओके, और हम MCQs करेंगे किस पे? यूनाइटेड नेशंस पे करेंगे। ओके, वर्ल्ड बैंक पे करेंगे, IMF पे करेंगे, और कन्वेंशंस पे करेंगे, जो एनवायरनमेंट, बायोडाइवर्सिटी या फिर आपके सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। ओके, राइट गाइस, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। और मोस्ट रिसेंट एग्जाम्स जो हुए हैं उसके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, सो आप कॉन्फिडेंस के साथ पढ़ेंगे इसको और यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखेंगे इस बात का। गुड इवनिंग दीपक। ठीक है गाइस, गाइस वीडियो शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले लाइक्स का आज का टारगेट मैं 300 रख रहा हूँ। प्लीज 300 लाइक्स दीजिएगा आज की क्लास को। ऑलराइट, और गाइस जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि हमारी लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक आती रहे। ऑलराइट, अब जो हम कॉन्टिन्यूसली बने हैं इस चैनल पर, अर्पित चौधरी सर के चैनल पर, सो यहाँ पर हम बहुत जल्दी जल्दी काम कर रहे हैं आप लोगों को अपडेट करने के लिए, आपको प्रिपेयर करने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए। सो बेल आइकन को प्रेस करके सारी अपडेट्स आप पा सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए गाइज। ओके, आई एम फाइन। ऑलराइट गाइज, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ स्टूडेंट्स का एक्चुअली मोटिवेशन ऐसा हुआ है कि वो उन्होंने पढ़ लिया है सब कुछ, लेकिन जब तक आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है गाइस और आपको ये लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, जब तक एग्जामिनेशन हॉल में आप जाके बैठेंगे नहीं तो आपकी ये मेंटल हालत ऐसे ही रहेगी। ठीक है, सो ये एकदम नेचुरल सा है, ये होता है अक्सर। सो इससे आप घबराइए नहीं, आपने पढ़ लिया है, सिर्फ कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेके आइए, एकदम प्रेशर लूज कर दीजिए। हमेशा कहता हूँ मैं, ये जितना मुझे एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस को अपने साथ आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं अपने एक्सपीरियंस को। हेलो एवरीवन। ओके, सो आपने पढ़ लिया है, बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ लिया है, सब कुछ जानते हैं आप, लेकिन एक नेचुरल एक फिनोमेना है कि आपको ऐसा लग रहा है कि सर अभी बहुत कुछ पढ़ना है, अभी तो मुझे कुछ नहीं आता। सो ये नेचुरल सा है गाइज, बस प्रेशर में मत आइए आप। ऑलराइट, चलिए गाइज पहला क्वेश्चन लेके आते हैं। आज के जो गाइज MCQs हैं उसको हम डिटेल में, बिल्कुल मैं उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगा, एज इट इज आप उसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एज इट इज आप अपनी कॉपीज पे उसको नोट कर लीजिए, एज इट इज क्वेश्चन आएंगे जो भी आपके सामने क्वेश्चन मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। ऑलराइट, उसकी बिल्कुल भी डिस्क्रिप्शन में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है अब हमारे पास चीज़ें याद करने का, और आप लोगों को मैं ज़्यादा प्रेशर देना नहीं चाहता हूँ। तो जितना आपको मैं दूंगा क्वेश्चंस में, पहला क्वेश्चन आपके सामने गाइज ये रहा। When the ISRO ISRO Indian Space Research Organization was established, okay guys, इसको बिल्कुल और बिल्कुल, ये जो छोटे छोटे facts हैं, ये छोटे छोटे facts हैं, आप इसको as it is बस याद कर लीजिए, ज्यादा डिटेल्स में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसरो को की एस्टेब्लिशमेंट हुई थी 15 अगस्त 1969 में। ऑलराइट गाइस, जैसे मैंने बताया आपको, वीडियो जल्दी ही खत्म हो जाएगी आज। जय हिंद। सो इसको रख लीजिए फटाफट अपने पास, अपने मेमोरीज में डाल लीजिए इसको, इसरो 15 अगस्त 1969 वॉज द ईयर। ओके, चले गाइज नेक्स्ट।
विद विच अमंग द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स द एजेंडा 21 ऑफ द अर्थ समिट 1992 डील्स विद। गाइज ये अर्थ समिट इम्पॉर्टेंट है, 1992 में हुई थी अर्थ समिट, यहीं से हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ओके, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ये सब चीज़ें यहाँ से निकली है कि हमने अपने रिसोर्सेज को बचाना है, उसको हमने सस्टेन करके यूज़ करना है, अर्थ को ज़्यादा गर्म नहीं होने देना है, ओजोन लेयर की जो डिप्लीशन है उसका भी ध्यान रखना है। सो इट वॉज इम्पोर्टेंट। गाइज ये डायर्की एंड ऑल ये सब कुछ मैं डिस्कस कर चुका हूँ, आज की क्लास जो रखी है वो रखी है यूनाइटेड नेशंस पे, सो प्लीज़ कॉन्सेंट्रेट ऑन दिस, ठीक है। बाकी मैं आपको इन शॉर्ट सब बता दूंगा, आप रहिए, मैं कल आपके लिए लेके आऊँगा जो भी कन्फ्यूजन है, मैं डोंट वरी अबाउट इट, पॉलिटी हिस्ट्री के लेक्चर्स में मैं कल डिस्कस कर लूँगा, मैं उसके अंदर क्वेश्चंस डाल दूंगा, उसके साथ साथ डिस्कस कर लूँगा, सो कल की क्लास अटेंड जरूर कीजिएगा, ठीक है, टुमारो 7 o'clock, ठीक है। सो गाइज अर्थ समिट इम्पोर्टेंट है, और उसके अंदर एक एजेंडा 21 प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करने की बात की थी, एजेंडा 21, ओके, सो किस चीज़ से रिलेटेड है वो, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी, इसके अंदर सस्टेनेबिलिटी लिखा हुआ है, सो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। गाइज इसको एज इट इज़ आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसी फॉर्म में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे, ज़्यादा डिटेल में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है, एज इट इज़ इसको, एज इट इज़ इसको याद कर लीजिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी सेम थिंग, ओके, सस्टेन करके रिसोर्सिस को यूज़ करना है, उसको हमने फ्यूचर जनरेशन से बोरो किया हुआ है, इस वजह से हमें उसको सस्टेन करके रखना है आने वाली जनरेशन के लिए, हमने जब तक उसको सस्टेन करके नहीं रखेंगे तो अर्थ के अंदर एक फॉरेस्ट कवर नहीं होगा, डेजर्टिफिकेशन आ जाएगा, रेन्स नहीं होगी, ठीक है, इन सब चीज़ों से बचने के लिए हमें रिसोर्सिस को भी सस्टेन करना है, उससे अर्थ की हेल्थ सुधरेगी, ठीक है, रिसोर्सिस को हम बचा के यूज़ करेंगे, और ये हमने अर्थ समिट 1992 के अंदर एजेंडा 21 में अडॉप्ट किया था। हाँ जी बिल्कुल आते हैं ये क्वेश्चंस, एनवायरनमेंट सेक्शन इम्पोर्टेंट हो गया है आजकल, यूपीएससी पूछता है एनवायरनमेंट से क्वेश्चन, और आपके इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चले गाइज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग फॉरेस्ट ऑफ इंडिया वर्ल्ड्स फर्स्ट टाइगर सेंसस वॉज कैरिड आउट इन 1932। क्वेश्चन बहुत ही आसान है गाइज, इसको समझना भी एकदम आसान है कि 1932 में टाइगर का फर्स्ट सेंसस कब हुआ था, कौन से फॉरेस्ट में, द राइट आंसर इज पलामू फॉरेस्ट। ओके गाइज, यहाँ पे एक टास्क है आपके लिए, पलामू कौन से स्टेट में आता है, आप एक बार इसको सर्च कर लेंगे अपने एंड से, पलामू आप सर्च करेंगे कि कौन से स्टेट में है, ठीक है, पलामू फॉरेस्ट कौन से स्टेट में है ये, और ये बायोस्फीयर रिजर्व है कि नेशनल पार्क है, ओके, ये बायोस्फीयर रिजर्व है कि नेशनल पार्क है पलामू फॉरेस्ट, इसको आप करेंगे याद, राइट, क्लियर है गाइस, चले गाइस, गाइस जिनको पता है इट्स वेरी गुड, जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए बोल रहा हूं कि वो अपने एंड से एक बार इसको पढ़ लेंगे। नगोया प्रोटोकॉल किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है, नगोया प्रोटोकॉल, ओके, नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद बायोडायवर्सिटी। गाइज एज इट इज़ इसको याद कर लेंगे, एज इट इज़ इसको आप नोट कर लीजिए, एज इट इज़ इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं।
जो एरिया रह गया है हम उसको करेंगे, डोंट वरी अबाउट इट। ठीक है, नगोया प्रोटोकॉल इज रिलेटेड विद बायोडाइवर्सिटी, इसको फटाफट नोट कर लीजिए गाइस। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन रिजर्व, ठीक है, इस डॉल्फिन रिजर्व की खासियत क्या क्या है कि ये पहली इंडिया की ओनली फर्स्ट एंड ओनली डॉल्फिन सेंचुरी है। ये कहाँ पर है गाइस? विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी ये है गाइस बिहार में। ठीक है, इससे रिलेटेड एक आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है कि पंजाब के अंदर भी जो डॉल्फिन्स को रिवर राइन एनिमल का दर्जा दिया गया है उसके बारे में आप पढ़ लेंगे। डॉल्फिन पंजाब न्यूज़ आप डालेंगे तो आपके एंड से मैं टास्क साथ साथ दे रहा हूँ गाइस। ओके, जो भी रिलेटेड है मैं आपको साथ साथ बताया जा रहा हूँ। विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी कहाँ पे है? ऑप्शंस के अंदर बिहार है तो बिहार इज द राइट आंसर। ऑलराइट, ठीक है, और आप इसको पंजाब डॉल्फिन के साथ भी एक बार इसकी न्यूज़ चेक कर लेंगे। गूगल पे जाकर गूगल न्यूज़ में एक बार डॉल्फिन इन पंजाब न्यूज़ में जाएंगे तो उसके एंड से थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो आप बिल्कुल अवेयर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे उसका क्वेश्चन नहीं डाला है, ये आपके लिए है टास्क गाइस। ओके, क्लियर? चलिए गाइस नेक्स्ट। विद विच ऑफ द फॉलोइंग द एजेंडा 21 ऑफ द रियो समिट 1992 इज रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट या कॉम्बैटिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मिटिगेटिंग नॉर्म्स ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मैकेनिज्म टू क्लीन एनर्जी प्रोडक्शन। ठीक है गाइस, इसके अंदर अगेन मैंने आपको बताया है एजेंडा 21 सस्टेनेबिलिटी या सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है तो इसको बिल्कुल याद करेंगे, इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, विद विच अमंग द फॉलोइंग इज की फॉनल स्पीसीज ऑफ दच्चीगम नेशनल पार्क गाइस, ये इंपॉर्टेंट है। दच्चीगम नेशनल पार्क आपके न्यूज़ में भी था और 2019 के अंदर जिस स्टेट से है, जिस स्टेट से था वहाँ से अब ये इम्पोर्टेंट है। तो दच्चीगम नेशनल पार्क वहाँ की कौन सी स्पीसीज को कंजर्व करने की बात की गई है? सो द राइट आंसर इज हंगुल या कश्मीरी स्टैग। ओके, इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ऑलराइट, कश्मीरी स्टैग या हंगुल इज द प्रॉपर वर्ड। क्लियर, दच्चीगम नेशनल पार्क ध्यान रखेंगे इस चीजों को आप, यहां को बस आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इसको डायरेक्टली आप पढ़ लेंगे, इंपॉर्टेंट है गाइस ये। ठीक है, यहां से बिल्कुल पढ़ के जाएंगे अदरवाइज आपको प्रॉब्लम होगी एग्जामिनेशन हॉल में। द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, उसमें से किन किन प्रोटेक्टेड एरियाज को कैटेगराइज किया गया था? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 में आया था तो किन एरियाज को प्रोटेक्टेड एरियाज को कैटेगराइज किया गया? क्या नेशनल पार्क्स या वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या बायोस्फीयर रिजर्व या टाइगर रिजर्व्स? इन चारों ऑप्शंस में से बायोस्फीयर रिजर्व को नहीं किया गया था वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इनुमरेट, क्योंकि उसके लिए सिर्फ एक नोटिफिकेशन किया जाता है, उसको लेजिस्लेट करने की जरूरत नहीं है। इंग्लिश का सेशन नहीं हुआ है अभी तक, मिलिट्री एक्सरसाइजेज और जो भी आपके डाउट्स हैं उसको मैं मिसलेनियस में डाल दूंगा कल, डोंट वरी अबाउट इट। ओके गाइस, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बायोस्फीयर रिजर्व्स का कोई भी
जिक्र नहीं था, इस बात का रखेंगे ध्यान और इसको आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन आते हैं गाइस यहाँ से, लास्ट 3-4 ईयर से क्वेश्चन आ रहे हैं इस एरिया से। ऑलराइट, क्लियर है गाइस? चले गाइस, गाइस जो अब्यूज कर रहा है उसको करने दो, क्योंकि वो आपको डिस्टर्ब करने आ रहा है, उसकी लाइफ का कोई मोटिव नहीं है। जिसकी लाइफ का मोटिव है वो कंसंट्रेट करेंगे अपने स्टडीज के ऊपर। चले गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड। ओके, द ग्रेट इंडियन बस्टार्ड ये एंडेंजर्ड स्पीसीज के अंदर है। ये एंडेंजर्ड स्पीसीज किन किन वजहों से इसकी पॉपुलेशन के अंदर डिक्लाइन आया है? ऑप्शंस पढ़िए, हैबिटेट लॉस, क्या उनके पास अब जगह नहीं है, कोई फॉरेस्ट कवर नहीं है इनके पास। फ्रिक्वेंट पोचिंग, क्या इनके ऊपर हंटिंग हो रही है इनकी। कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड मिल्स, क्या ऑप्शंस है गाइस इसके अंदर? गाइस ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, हैबिटेट लॉस भी है क्योंकि फॉरेस्ट कवर कम हुआ है। फ्रिक्वेंट पोचिंग, इनकी पोचिंग भी होती है, इनकी हंटिंग भी होती है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ विंड मिल्स की वजह से भी इनको माइग्रेशन के अंदर, इनकी जो इनका जो सीजन होता है माइग्रेशन का, उसके अंदर भी इनको प्रॉब्लम आती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्रेट इंडियन बस्टार्ड का क्वेश्चन है ये, ठीक है, माइग्रेटरी बर्ड है ये, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। क्वेश्चन गाइज आते हैं यहाँ से, जान लीजिए इसको। रन ऑफ कच्छ में एंड राजस्थान में, ओके, राजस्थान एंड रन ऑफ कच्छ। गाइज एक टास्क है इस क्वेश्चन का, ये कौन से स्टेट का नेशनल स्टेट एनिमल है, स्टेट बर्ड है, इसको आप एक बार पढ़ लेंगे। कौन से स्टेट का बर्ड है ये, स्टेट बर्ड, इसके बारे में आप पढ़ लेंगे। ऑलराइट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम। वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड सिस्टम कौन सा है? वेटलैंड सिस्टम, वेटलैंड्स व्हेन इट कवर्स डेल्टास, लेक्स, पॉन्ड्स, ओके, रिजर्व्स, नेचुरल रिजर्व्स एंड ऑल, ठीक है। सो वर्ल्ड का सबसे बड़ा वेटलैंड सिस्टम कौन सा है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इन साउथ अमेरिका, ब्राजील, पैराग्वे एंड बोलिविया में है ये, पेंटनल। ऑलराइट, पेंटनल इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट वेटलैंड सिस्टम इन ब्राजील, बोलिविया एंड पैराग्वे। ऑलराइट, पेंटनल इन साउथ अमेरिका। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, क्लियर? आई होप गाइज हेल्प मिल रही है आपको इन क्वेश्चन से, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि यूपीएससी ने अपने पैटर्न को, जब से उसने दूसरे टॉपिक्स उठा के डालने शुरू किए हैं, तो ये क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, इसलिए मैंने इसको स्पेशली डाला है आपके लिए, ताकि आप ये ना बोले कि हमने कभी सुना नहीं है इनके बारे में। गाइज रेड पांडा IUCN की वल्नरेबल लिस्ट के अंदर ऐड किया गया है। फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज इसके अंदर एक टास्क है आपके लिए छोटा सा, IUCN के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। इसके जो कैटेगराइज करने का तरीका है वो पढ़ लेंगे। रेड लिस्ट की बात करते हैं, रेड लिस्ट के अंदर डालते हैं जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, ठीक है। तो वल्नरेबल स्पीसीज में रेड पांडा को डाला गया है, रेड पांडा की स्पीसीज को वल्नरेबल लिस्ट में डाला गया है IUCN ने।
ठीक है, इसको कंजर्व करने की बहुत जरूरत है। तो ये कहाँ पर मिलते हैं इंडिया के अंदर? ईस्टर्न हिमालयस में मिलते हैं, वेस्टर्न हिमालयस में मिलते हैं, निकोबार आइलैंड में मिलते हैं, या नीलगिरी हिल्स में मिलते हैं? ठीक है, सो द राइट आंसर इज द राइट आंसर इज ईस्टर्न हिमालयस। ठीक है, ईस्टर्न हिमालयस गाइस, ईस्टर्न हिमालयस, रेड पांडा, अरुणाचल, असम, सिक्किम, जो भी चाइना के साथ बाउंड्रीज हमारी शेयर हो रही है नॉर्थ ईस्ट में एंड चाइना में, वहां पर आपको मिलेंगे रेड पांडास। IUCN लिस्ट में एंड वल्नरेबल स्पीसीज में इसको ऐड किया गया है। वल्नरेबल मीन्स कि उनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है और उसके लिए आपको काम करने की जरूरत है। गाइस एक मैंने स्लाइड डाली है, क्वेश्चन नहीं है ये, मैंने एक स्लाइड डाली है IMF का क्या काम होता है, IMF का और वर्ल्ड बैंक के फंक्शंस के अंदर हमें डिस्टिंग्विश करना है। तो IMF मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल करने की बात करती है, मॉनेटरी सिस्टम वर्ल्ड लेवल के मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल करने की बात करती है, फॉरेन रिजर्व्स भी बैलेंस हो, आपके पास बैंकरप्सी जैसी कोई सिचुएशन ना आए तो उसको लुक आफ्टर करती है IMF। ठीक है, और वर्ल्ड बैंक क्या करती है, असिस्टेंस देती है मिडिल इनकम और लो इनकम कंट्रीज को, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है और उनके डेवलपमेंट के अंदर मदद मिलती है। ठीक है, क्लियर। वर्ल्ड बैंक एंड IMF के अंदर इस स्लाइड को आप रख लेंगे, आप जब इसको पढ़ेंगे तो आप इनकी फंक्शनिंग को समझ जाएंगे। मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल करना अलग बात है और पुअर कंट्रीज को, या जो कह लीजिए आप इनकम के अंदर जो बैकवर्ड है उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देना वो अलग बात है। फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है वर्ल्ड बैंक और मॉनेटरी सिस्टम को स्टेबल करती है आपकी IMF। ओके, क्लियर है गाइस? इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नेक्स्ट आएंगे तो इसलिए ये स्लाइड को एक बार पढ़ लीजिए आप गाइस। रामसार कन्वेंशन, रामसार इट्स अ प्लेस इन ईरान, उसके ऊपर एक कन्वेंशन हुई थी। ठीक है, पहले हम इस ऑप्शंस को देखते हैं कि रामसार कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ मैनग्रोव्स। ठीक है, वर्ल्ड वेटलैंड डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 2 फरवरी। इसके अंदर से गाइस ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ओके, ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ऑप्शन 1 के अंदर क्या करेक्शन लेके आनी है कि रामसार कन्वेंशन इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी, हाँ जी बिल्कुल ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ वेटलैंड्स। ओके, नॉट ओनली फॉर द मैनग्रोव्स बट फॉर द वेटलैंड्स। वेटलैंड मैंने आपको बताया था कि क्या होते हैं, लेक्स, पॉन्ड्स, रिजर्व्स, डेल्टास, उसको कंजर्व करने की के ऊपर एक ट्रीटी साइन की गई है जिसको बोलते हैं रामसार कन्वेंशन। रामसार कहां पर है? ईरान में है। ठीक है, हाँ जी बिल्कुल, क्वेश्चन इसमें से एक दो ही आएंगे लेकिन तैयारी तो आपको करनी है ना, इसलिए मैं बोल रहा था कि क्लास ज्यादा लंबी नहीं होगी आपकी ना, मैं इसको डिस्कस करूंगा आपके साथ, सिर्फ आपको फेमिलियर करूंगा चीजों के साथ। गाइज IMF की एक स्लाइड है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं बिल्कुल डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बस इसके अंदर ये बात जान लीजिए कि 189 मेंबर्स हैं इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर 189 मेंबर्स हैं, 193 मेंबर्स नहीं है जो यूनाइटेड नेशंस के अंदर है, जो यूनाइटेड नेशंस के सारे मेंबर्स हैं वो IMF के सभी मेंबर्स नहीं है, इसके अंदर 189 मेंबर्स हैं, इस बात को आप जान लीजिए। मॉनेटरी सिस्टम होता है जो आपकी फाइनेंस है आपकी कंट्री की, उसको बैलेंस करना, आपके रेवेन्यू एंड आपके एक्सपेंडिचर को बैलेंस करना, उन सभी चीज़ों को लुक आफ्टर करता है IMF। अगर आपके बैलेंस बिगड़ रहे हैं तो वो आपको असिस्टेंस देता है IMF। ओके, एक्सपोर्ट इंपोर्ट ट्रेड, इंटरनेशनल ट्रेड, ये इन सभी चीज़ों को आपका IMF लुक आफ्टर करता है।
Which of the following is not the objective of IMF? To promote international monetary cooperation, to ensure balanced international trade, to ensure exchange rate stability, to provide loan to private sector. Guys, इस options में से fourth जो option है आपका private sector को loan देना, इसको IMF नहीं करता है. Private sector को जो loan देता है वो देता है international finance cooperation. Okay? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन. क्लियर है गाइस? ऑप्शन डी, प्राइवेट सेक्टर्स को लोन नहीं देता आईएमएफ. प्राइवेट सेक्टर को लोन कौन देता है? इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन. इस बात का रखेंगे ध्यान आप, ये इंपॉर्टेंट है गाइस. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन. ये गाइस एक ओवरव्यू है, स्लाइड ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका. मैं डिस्कस बिल्कुल नहीं करने वाला हूँ इसके अंदर, डिस्कस करने ऐसा कुछ भी नहीं है, ना इसको डिटेल में समझाने की जरूरत है, इसको बस आप पढ़ लेंगे एक बार. मैंने डिफरेंस बता दिया है वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ में क्या होता है. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस? यूनाइटेड नेशंस की ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी नहीं है? अरेबिक, पोर्चुगीज, फ्रेंच या स्पेनिश? पोर्चुगीज नहीं है गाइस. ओके, पोर्चुगीज नॉट एन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनाइटेड नेशंस. गाइज, यूनाइटेड नेशंस चार्टर वॉज साइंड ऑन इट्स 26 जून 1945. गाइज ये अब बिल्कुल आपने इसका ध्यान रखना है, इसको मगअप करना है, इसको समझाने ज्यादा कुछ नहीं है इसके अंदर. ठीक है. 14 पॉइंट चार्टर एक बनाया गया था जिसके बाद यूनाइटेड नेशंस बनाए गए थे. वो चार्टर साइन किया था 26 जून 1945 में. ठीक है, 1945 26 जून. क्लियर गाइज? आईएमएफ एस्टैब्लिश कब हुआ था? आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक एक ही दिन एस्टैब्लिश हुए थे, और ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस उसको बोलते हैं. इसका आंसर है 27 दिसंबर सॉरी 1945. ओके, 1945 27 दिसंबर ब्रिटन वुड्स कॉन्फ्रेंस. एक्सप्लेनेशन के अंदर दिया हुआ है गाइज, एक बार पढ़ लेंगे उसको, स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लीजिए इसका. यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम यूएनडीपी, उसका कौन सा फंक्शन नहीं है इन ऑप्शंस में से? एक, प्रोटेक्टेड रिफ्यूजेस वर्ल्ड वाइड, पॉवर्टी रिडक्शन, क्राइसिस प्रिवेंशन एंड रिकवरी, एनर्जी एंड एनवायरनमेंट. सो यूएनडीपी के फंक्शंस में से रिफ्यूजीज को प्रोटेक्ट करना जैसा कुछ भी नहीं है. ठीक है, सो ऑप्शन इसका आंसर नहीं है, बाकी तीनों यूएनडीपी करता है. मैं इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, फटाफट आप इसको देख लीजिए, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, और एक क्वेश्चन भी आप ठीक से करके आए, एक करेक्ट टिक करके आए, तो आप जंप मारेंगे दूसरे एस्पिरेंट से आगे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनाइटेड नेशन एजेंसी फोकसेस ऑन पॉवर्टी रिडक्शन एंड द इंप्रूवमेंट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड वर्ल्ड वाइड? पॉवर्टी एलिवेशन को कौन लुक आफ्टर करता है यूनाइटेड नेशन की कौन सी एजेंसी? द राइट आंसर इज वर्ल्ड बैंक. ओके, वर्ल्ड बैंक. क्लियर? चले गाइस नेक्स्ट. द हेड ऑफिस ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इज सिचुएटेड एट. इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में से उसके है, और उसका जो हेडक्वार्टर वो हेग में है. गाइस अब इसकी डिटेल्स में ज्यादा नहीं जाएंगे, मैं इसको बिल्कुल नहीं समझाऊंगा आपको, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, ये क्वेश्चन जो आपके सामने इस टाइम प्रेजेंट कर रहा हूँ वो इसी क्वेश्चन को आप एज इट इज याद कर लीजिए, क्योंकि एरिया यही है, इतना जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है. सो द हेग इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस. गाइस अगर कुछ रह गए हैं क्वेश्चंस या रह रहे हैं तो डोंट वरी अबाउट इट, मैं उसको जल्दी से जल्दी करूंगा. क्लियर? Which one of the following is not
मेन ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस, मेन ऑर्गन में से कौन सा नहीं है यूनाइटेड नेशंस का, जो उसकी प्लानिंग उसके कॉम्पोजिशन के अंदर होते हैं, उसमें से कौन सा इनमें से नहीं है, इंटरनेशनल कोड ऑफ जस्टिस, इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, या उसका सेक्रेटरिएट, ओके, या उसके बाद आईएमएफ। गाइज इसका आईएमएफ आंसर है, राइट आंसर इज आईएमएफ। आईएमएफ इज जस्ट एन एजेंसी जो जिसका हेडक्वार्टर है आपका न्यूयॉर्क में, और उसके बाद वो काम करते हैं बैलेंस ट्रेड को बैलेंस करने के लिए। द नंबर ऑफ नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज 10। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं जो रोटेट होते हैं और उनको प्रेसिडेंसी मिलती रहती है, तो 10 मेंबर्स नॉन परमानेंट। ठीक है, नॉन परमानेंट मेंबर्स 10। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल, इस जो ऑप्शंस आपके सामने हैं सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर परमानेंट मेंबर कौन सा नहीं है, फ्रांस, चाइना, जर्मनी या यूनाइटेड किंगडम। जर्मनी इज नॉट द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। कौन से मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, एक बार उसका आप टास्क अपने एंड से कर लेंगे गाइज, फटाफट से, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट, जो प्रेसिडेंसी रोटेशन वाइज होती रहती है, उसको प्रेसिडेंसी कितने सालों के लिए मिलती है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो प्रेसिडेंसी का कितने टाइम का होता है, तो ऑप्शंस में है आपका 1 ईयर इज द राइट आंसर। ऑलराइट, ऑलराइट सर, जनरल असेंबली का परमानेंट, सॉरी, जनरल असेंबली के जो प्रेसिडेंट है उसका जो टाइम पीरियड होता है 1 ईयर होता है। द नंबर ऑफ परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल इज, कितने मेंबर्स है गाइस, मैंने अभी जस्ट आपको टास्क दिया है उसके अंदर से आप इस क्वेश्चन का भी आंसर देंगे, द राइट आंसर इज 5 मेंबर्स। ओके गाइस, 14 पॉइंट्स किसने दिए थे लीग ऑफ नेशन को फॉर्मुलेट करने के लिए, लीग ऑफ नेशन यूनाइटेड नेशन से पहले की एक बॉडी थी जो कि वर्ल्ड लेवल की के ऊपर बनाई गई थी पीस को प्रमोट करने के लिए, लीग ऑफ नेशन। ठीक है, तो उसके 14 पॉइंट्स की जो फॉर्मुलेशन रखी थी वो किसने रखी थी, वो रखी थी वुड्रो विल्सन ने। ऑलराइट, वुड्रो विल्सन। गाइस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप अपने एंड से इसको क्रॉप कर लीजिए और फटाफट प्रैक्टिस कर लीजिए। मैं इसको एक्सप्लेन साथ साथ करना है जिन बच्चों को हेल्प मिलती है, क्योंकि वो बाद में कंफ्यूज हो जाएंगे अगर मैं आंसर नहीं दूंगा, तो मुझे आंसर साथ में देना ज़रूरी है ताकि सभी बच्चों को हेल्प मिले। ओके, क्लियर? सो वुड्रो विल्सन, वुड्रो विल्सन को फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के फादर वुड्रो विल्सन। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स रिप्रेजेंटेड इन जनरल असेंबली इज, द राइट आंसर इज 193 टोटल मेंबर्स। सभी कंट्रीज प्रेजेंट रहती हैं और सभी मेंबर्स जो कंट्रीज है वो उनका नंबर है 193। गाइज इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO, ये यूनाइटेड नेशन की सबसे पुरानी एजेंसी है। ओके, सबसे पुरानी बॉडी है जो 1919 में बनी थी, ये फैक्ट मैं आपको साथ साथ ही प्रोवाइड कर रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन गाइज क्लियरली पूछे जाते हैं। सो व्हेन वाज द ILO एस्टेब्लिश्ड, द ईयर वाज 1919। ओके, 1919, गाइज IAEA इंडिया का इंस्पेक्शन किए थे उन्होंने, इन्होंने सिविलियन एंड मिलिट्री न्यूक्लियर प्रोग्राम्स को इंस्पेक्ट भी किया था, उसके बाद से हमारे पे से सेंक्शंस हटा दिए गए थे। ठीक है, सो IAEA इंडिया के कंसेप्ट से भी इम्पोर्टेंट है, तो IAEA के हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है, कहाँ, कौन से जगह पे लोकेटेड है ये, वियना ऑस्ट्रेलिया। ऑलराइट, वियना ऑस्ट्रेलिया।
क्लियर गाइज? गाइज अच्छे अच्छे एग्जाम्स के अंदर ये क्वेश्चंस आते हैं, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से, ध्यान के साथ पढ़ लीजिए, सीरियस होकर पढ़ लीजिए, काम आएंगे आपके, आपकी ओवरऑल पर्सनैलिटी को शो करेगा। अगर आप आगे बढ़ते हैं लाइफ में तो ओवरऑल पर्सनैलिटी भी साथ ही बढ़ानी है, एक ही लेवल पे आपने नहीं रुके रहना लाइफ में। पर्सनैलिटी ग्रोथ भी एक चीज़ होती है, ठीक है? सो बी अ कंप्लीट मैन, बच्चे नहीं हैं आप सभी, बाहर आइए बचपने से और समझिए सभी चीज़ों को। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन लेड टू द फाउंडेशन टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल सोसाइटी नेशंस, इंटरनेशनल सोसाइटी नेशंस। गाइस सबसे पहले लीग ऑफ नेशंस आए थे, ठीक है, वर्ल्ड वॉर वन के बाद, और उन्होंने ये कोशिश की थी कि हम पीस को प्रमोट करेंगे, वॉर नहीं करेंगे, बहुत नुकसान होता है, लीग ऑफ नेशंस। सो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी जिसमें से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज निकल के आई थी और उन्होंने एक बॉडी बनाई थी पीस को प्रमोट करने के लिए? द राइट आंसर इज लीग ऑफ नेशंस। ओके, द हेडक्वार्टर्स ऑफ आईएमएफ कहां पे है गाइस? वॉशिंगटन डीसी, यूनाइटेड स्टेट्स। मैंने गलत बोल दिया था, आई एम सॉरी अबाउट इट, मैंने न्यूयॉर्क बोल दिया था, बट इट इज वॉशिंगटन डीसी, और वर्ल्ड बैंक का भी यहीं पे है। आईएलओ कहां पर लोकेटेड है गाइस? इट्स जेनेवा स्विट्जरलैंड। ओके, यूनेस्को कहां पर लोकेटेड है गाइस? पेरिस, फ्रांस में। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को प्रिजर्व करने का, कंजर्व करने का और उसको इंपॉर्टेंस देने का काम करती है। यूनेस्को का हेडक्वार्टर्स पेरिस, फ्रांस में। ऑलराइट, वर्ल्ड बैंक का भी वॉशिंगटन डीसी, ये मैंने आपको जस्ट बताया है अभी। क्लियर? जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ गाइस मैं। आईटीयू का, इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जिनेवा स्विट्जरलैंड अगेन। क्लियर गाइस? इस क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा टास्क दे रहा हूँ मैं आपको, आईटीयू इंडिया के साथ किस लिए इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार आप पढ़ लेंगे। आईटीयू इंडिया न्यूज के नाम से आप सर्च करेंगे, ठीक है? एक टास्क दे रहा हूं मैं आपको, आईटीयू को एक बार आप पढ़ लेंगे, इंडिया के कंसेप्ट में ये क्यों न्यूज में था, एक बार इसको आप पढ़ लेंगे गाइस अपने एंड से। गाइस यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी बैन की मून कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? और द राइट आंसर इज साउथ कोरिया। ओके, साउथ कोरिया इज द राइट आंसर। गाइस ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है 2019 में, आप भी इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? इट्स जिनेवा स्विट्जरलैंड अगेन, ठीक है? सो वॉशिंगटन डीसी में कौन से हैं, जिनेवा स्विट्जरलैंड में कौन से हैं, फ्रांस में कौन से हैं, हेग में क्या है? एक बार अपनी इसको लिस्ट बनाकर 5 मिनट के अंदर, विद इन 5 मिनट्स इसको रेडी कर लीजिए, आप काम आने वाले हैं ये गाइस। पहले जनरल सेक्रेटरी कौन है यूनाइटेड नेशंस के? जनरल सेक्रेटरी कौन है यूनाइटेड नेशंस के पहले? ठीक है, इट वॉज यू थॉट। गाइस के अंदर आंसर इट्स गिवन रॉन्ग। ओके, यू थॉट इज द राइट आंसर। गाइस चंद्रयान 2 इंपॉर्टेंट है आपके लिए, करंट अफेयर्स में आएगा ये, इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंडिया की, ठीक है? तो इसके यूनाइटेड नेशन, सॉरी, चंद्रयान के अंदर इंडिजीनियसली जो मिशन है आपका, उसके अंदर क्या क्या है? ऑर्बिटर है, लैंडर है, रोवर है, या ये सभी है? सो ऑप्शन डी, ये रिविजन के लिए मैंने डाल दिया आपके सामने, ठीक है? सो ऑर्बिटर है, लैंडर है और रोवर है इस चंद्रयान 2 के अंदर। ठीक है,
इसरो के चेयरमैन कौन है ये आप सभी को पता है, के सिवान, लेकिन फिर भी मैंने उसको रिवाइज करने के पर्पज से डाल दिया इसको ताकि आप याद रखें इसको, ठीक है। गाइस चंद्रयान 2 के मिशन के गोल्स क्या थे? टू इम्प्रूव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ओरिजिन ऑफ द एंड द एवोल्यूशन ऑफ द मून। गाइस इस ऑप्शन के अंदर मैं एक एक ऑप्शन नहीं बोलूंगा, ये जो ऑप्शन ए बी सी है ये सभी ऑब्जेक्टिव्स थे चंद्रयान 2 के, ठीक है। इसको एक बार आप पढ़ लेंगे ठीक से, मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं जाऊंगा। तो गाइस ये कुछ क्वेश्चंस थे, मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस, आप इन क्वेश्चंस को एक बार पढ़ लीजिए अपना। गाइस इसके स्क्रीनशॉट एक बार पढ़ लीजिए विद इन 5-10 मिनट्स, इन सभी को पढ़ लीजिए, इंपॉर्टेंट है। किसी के कहने मत जाइए कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट भी कुछ होता है, आपने उसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। ऑलराइट सो इन क्वेश्चंस को आप अपने विद इन 5 मिनट्स रेडी करके बस उसको छोड़ दीजिए। मैं कल वापस आऊँगा आपके पास इवनिंग 7 o'clock, मैं आपके लिए फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस लेके आऊँगा, उसमें ज्योग्राफी भी होगी, पॉलिटी भी होगी, हिस्ट्री भी होगी और करंट अफेयर्स भी होगा, ठीक है। तो हम अपने एंड से गाइस कोशिश कर रहे हैं आपको अवेयर करने की, आपका एग्जाम क्रैक हो जाए, डेट्स इट, हमारा यही मोटिव है आपको अवेयर करने का, ठीक है। गाइस एक छोटी सी आपसे, ये 300 लाइक्स का एक आज का टारगेट है, इसको अचीव कर दीजिएगा। ऑलराइट एंड आई होप आज की क्लास में भी आपको मज़ा आया होगा, आज आपको लिए हेल्पफुल होगी आज की क्लास। सो गाइस आई सी यू टुमारो 7 o'clock। ऑलराइट सो टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड, सी यू टुमारो गाइस, बाय, जय हिंद।